लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है, जहां आगामी 27 अप्रैल को धार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं इससे पहले कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने धार पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। विजयवर्गीय ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मिशन निर्माण पर आएंगे पीएम मोदी, कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली तैयारी की कमान। जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, जनसभा में आएंगे 1 से 2 लाख लोग। निमाड़ अंचल में चौथे चरण के चुनाव के लिए तैयारियों का सिलसिला जारी है, जहां इसी बीच अब निमाड़ अंचल की धार लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। जहां पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है, धार के पीजी कॉलेज मैदान पर जनसभा आयोजित करने की तैयारी की जा रही है, जहां इस जनसभा में धार लोकसभा के अलावा झाबुआ और इंदौर लोकसभा से भी लोग पहुंचेंगे। जनसभा में लगभग 1 से 2 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है, जहां इसी के चलते जनसभा को लेकर तैयारियों का सिलसिला जारी है। वहीं इन तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान विजयवर्गीय के साथ जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी समेत तमाम पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 27 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी धार आएंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। धार में ऐतिहासिक सभा होने जा रही है। हम 29 के 29 लोकसभा सीट जीतेंगे। साथ ही उमंग सिंघार पर निशाना साधते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जिस दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने थे, उस दिन कांग्रेस में कितने नेता थे और आज कितने हैं, उनकी गिनती कर लें। धार में 27 तारीख को होने वाली है, दोपहर को आएंगे वो, और उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह। अभी हम लोगों ने इंदौर धार जिले के लोगों से तो बात की है, पर झाबुआ के कार्यकर्ता ही बोले हम भी आएंगे, तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर जनसैलाब होगा जो प्रधानमंत्री जी को सुनेगा। मुझे लगता है कि ऐतिहासिक सभा धार में होने जा रही है, लाखों की संख्या में होंगे। कुछ उनके कार्यक्रम हम सोचते हैं 1 लाख आते हैं 2 लाख। देखिए पिछली बार भी आप लोगों ने ऐसा ही प्रश्न हमसे लोकसभा चुनाव के वक्त किया था, और हमने बोला हम लोकसभा हम जीतेंगे, और हम जीते, और अभी भी ऐसा ही होगा। लोकसभा और विधानसभा के परिणामों में काफ़ी अंतर होता है, और इसलिए हम पूरी 29 की 29 जीतेंगे। हमारी दृष्टि में एक भी विधानसभा कमज़ोर नहीं है, और सब विधानसभाओं में हम सब लोकसभाओं में हम लाखों से जीते। सभा में उनको बुलवा लेना, यहाँ पर वेश बदल कर देख लेंगे वो। 4 तारीख को मिलेंगे हम। पहले तो खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस दिन उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष बने थे, उतने कांग्रेस में कितने नेता थे उस समय और आज कितने नेता हैं, उनकी गिनती कर लें। 50% कांग्रेस के नेता तो गायब है उनकी पार्टी से भी। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी अब मिशन निर्माण पर फोकस करती नजर आ रही है, जहां संगठन इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर धार लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा करवाने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, धार।